हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुचैन पढ़ाई विद आरके। चलो पढ़ते हैं चप्पल फाड़ के। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं द बेगर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक दिन सरगेई नामक एक वकील एक भिखारी से मिलता है। भिखारी उससे कहता है कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और वो बताता है कि भाड़े पर रहने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं हैं। और वो बताता है कि 8 सालों तक वह एक गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी करता था, पर कुछ झूठे आरोपों के कारण उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब 1 साल से उसके पास नौकरी नहीं है। सरगेई भिखारी के ओवरकोट और चेहरे को देखता है और वह सोचता है कि उसने उसे कहीं देखा है। भिखारी आगे कहता है कि उसे कलुगा प्रांत से नौकरी की पेशकश आई है, पर वहाँ पर पहुँचने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। और वह कहता है कि मुझे मांगने में शर्म आती है, पर परिस्थिति ऐसी है कि उसे मांगना पड़ रहा है। तभी सरगेई की नज़रें उस भिखारी के बड़े जूते की तरफ पड़ती है, जिसमें से एक जूता ऊंचा था और दूसरा नीचा। अचानक उसे कुछ याद आ जाता है और वह कहता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे सडोया गली में परसों मिल चुका हूँ। उसने कहा, परंतु तब आपने बताया था कि आप एक स्कूल के स्टूडेंट थे जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, और आप गांव के स्कूल में टीचर नहीं थे, क्या आपको याद है? ये सब सुनकर भिखारी, जिसका नाम लस्कोफ था, वो कुछ हक्का बक्का सा हो जाता है और वो कुछ झुंझलाकर बोलने लगता है, नहीं वैसा नहीं हो सकता है, मैं गांव के स्कूल में टीचर हूँ और यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर्स दिखा सकता हूँ जो मुझे प्रूफ कर सकते हैं कि मैं एक स्कूल में टीचर ही हूँ। भिखारी की ये सब बातें सुनकर सरगेई बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इस धोखेधारी के लिए मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इस पर भिखारी सरगेई से बोलता है, श्रीमान जी, वह अपना हाथ जोड़कर बोलता है, सही बात तो यह है कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं ना तो विद्यार्थी हूँ ना ही स्कूल का टीचर हूँ, वह सब एक मनगढ़ंत बात थी। पहले मैं रूसी भजन मंडली में काम किया करता था और वहाँ पर नशा करने के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था, पर मैं और क्या कर सकता हूँ, झूठ बोले बगैर मेरा गुजारा नहीं चल सकता, जब तक मैं सच बोलूँगा कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा, मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। तुम क्या कर सकते हो, तुम यह पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो? सरगेई उसके पास जाकर चीख पड़ता है, काम, यह तो तुम कर सकते हो, तुम्हें अवश्य कोई काम करना चाहिए। काम? हाँ वह तो मुझे मालूम है, परंतु मुझे काम कहाँ से मिलेगा? भिखारी कहता है, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे? सरगेई भिखारी से पूछता है। सरगेई उसे काम करने के लिए कहता है और वह भिखारी से पूछता है कि क्या वह उसके लिए लकड़ी काटना पसंद करेगा। भिखारी स्वीकार करता है। सरगेई भिखारी को लेकर घर जाता है और अपने कुक ओल्गा को उसे वुड शेड ले जाने के लिए कहता है। भिखारी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने यह काम केवल गर्व और शर्म के कारण स्वीकार किया है और इसलिए नहीं कि वह वो काम करना चाहता है। और यह भी स्पष्ट है कि वोडका पीने के कारण, शराब पीने के कारण भिखारी पागल हो गया है और कड़ी मेहनत करने की उसके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है। सरगेई ने ओल्गा और भिखारी को भोजन कक्ष में खिड़की से देखा। वह देखता है कि वो दोनों लकड़ियों के बीच बर्फ हटाकर अपना रास्ता बना रहे थे। ओल्गा भिखारी पर ज़रा सी भी दया भावना नहीं दिखाती है। शेड तक पहुंचने पर ओल्गा ने अपनी कोहनी के साथ भिखारी को अलग कर दिया और गुस्से से दरवाज़ा पीट दिया। फिर वह भिखारी को देखती है कि वह एक सीट पर बैठ कर कुछ विचारों में खो जाता है। ओल्गा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है और गुस्से से थूकती है और उसे डांटती हुई दिखाई देती है। इस पर भिखारी जो है वो लकड़ी के टुकड़े को काटने के लिए आधा अधूरा प्रयास करने लगता है। अब तक सरगेई का गुस्सा भी गायब हो गया था और वह एक खराब शराबी और शायद बीमार आदमी को ठंड के मौसम में इतना कठोर परिश्रम करता हुआ देख खुद ही शर्म महसूस करने लगता है।
एक घंटे के बाद ओल्गा सर्गेई को बताती है कि सभी लकड़ी काट ली गई हैं। सर्गेई उसे भिखारी को आधा रूबल देने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि अगर भिखारी चाहे तो वह हर महीने के पहले दिन लकड़ी काटने के लिए आ सकता है और उसे इसके बदले आधा रूबल मिल जाएगा। वो लोग हमेशा उसके लिए काम ढूंढ कर रखेंगे। अगले महीने की पहली तारीख को लस्कॉफ लकड़ी काटने के लिए आता है और फिर से आधा रूबल कमाता है, हालांकि वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उसके बाद वह सर्गेई के यार्ड में जाता है और वहां का धूल साफ करता है। वह बर्फ़ को हटा देता है और गद्दों और कालीनों में से धूल साफ कर देता है। हर बार उसे 20 से 40 रुपए दिए जाते और एक बार तो उसे पुराना पैजामा भी दे दिया गया था। तो एक बार क्या होता है कि जब सर्गेई एक नए घर में शिफ्ट कर रहा होता है तो वह लस्कॉफ को बुला लेता है ताकि वह उसकी फर्नीचर की पैकिंग में मदद कर सके और वह एक घर से दूसरे घर तक सामान पहुंचाने में, शिफ्ट करने में उसकी मदद कर सके। तो इस बार जो लस्कॉफ है वो चुपचाप आता है, शांत और उदास आता है और वह काम करने का दिखावा भी नहीं करता है। वह केवल ठंड में कांपता रहता है और इस पर जो कार्टस होता है, जो कि सर्गेई की मदद के लिए आया हुआ होता है, वह भिखारी को देखकर कि वह ठंड में कांप रहा है और केवल खड़ा है, भिखारी का यह बर्ताव देखकर कार्टस उस पर हंस देता है। तो इस पर भिखारी को शर्मिंदगी महसूस होती। तो जो सर्गेई है वह भिखारी के पास आता है और वह उससे कहता है, अच्छा मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे कहने पर यहाँ पर आ गए और आपके ऊपर मेरे शब्दों का कुछ प्रभाव पड़ा है। वह उसे एक रूबल देते हुए कहता है, आप इसे यहाँ पर आने का पुरस्कार समझकर रख लीजिए। और वह कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि अब आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। और वह भिखारी से उसका नाम पूछता है तो भिखारी कहता है कि मेरा नाम लस्कॉफ है। फिर सर्गेई भिखारी से कहता है, यानी कि लस्कॉफ से कहता है कि ठीक है लस्कॉफ, अब मैं आपको कोई दूसरी साफ़ सुथरी नौकरी दे सकता हूँ, क्या आप लिखना जानते हैं? तो इस पर भिखारी कहता है, हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो जो सर्गेई होता है वह लस्कॉफ से कहता है कि ठीक है लस्कॉफ, कल मेरा यह लेटर मेरे एक मित्र के पास ले जाना और वो आपको नकल करने का कुछ काम दे देगा, यानी कि देख देख कर लिखने का कुछ काम दे देगा। और वो उससे कहता है कि वहाँ पर बहुत अच्छे से परिश्रम करना, शराब मत पीना और जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है उसे हमेशा याद रखना, अलविदा। एक व्यक्ति को सही रास्ते पर लगा देने की खुशी से सर्गेई ने लस्कॉफ के कंधे के ऊपर आराम से थपथपाया और जुदा होते समय उससे हाथ मिलाया। लस्कॉफ ने पत्र ले लिया और उस दिन के बाद सर्गेई के पास लकड़ी काटने के लिए वह कभी लौटकर नहीं आया। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन जब सर्गेई थिएटर की टिकट एक खिड़की पर खरीद रहा होता है तो वह उसके बगल में एक छोटे से आदमी को नोटिस करता है, जो कि एक घुंघरेले फर वाला कोट पहना हुआ रहता है और उसके सर पर टोपी होती है। वो आदमी भी टिकट खरीदता है और टिकट के बदले वह तांबे का सिक्का जो है वो टिकट काउंटर को देता है। फिर सर्गेई को पता चलता है कि वह शख्स लस्कॉफ है और वह उससे पूछता है कि सब कैसा है। तो लस्कॉफ उससे कहता है कि सब कुछ अच्छा है, वह एक नोटरी है और हर महीने वह 35 रूबल कमाता है। तो ये सब सुनकर सर्गेई बहुत खुश हो जाता है और वह लस्कॉफ से कहता है कि वह उसके लिए लगभग एक गॉड सन की तरह है, यानी कि वह उसके लिए एक फरिश्ता है। फिर सर्गेई जो है वो लस्कॉफ से कहता है कि शायद यह सब कुछ उसकी डांट की वजह से हुआ है, यानी कि लस्कॉफ जो कि आज एक अच्छा खासा उसके पास नौकरी है, यह सब कुछ जो है वो सर्गेई की डांट की वजह से हुआ है कि लस्कॉफ एक अच्छे पोजीशन पर है। और वो लस्कॉफ को धन्यवाद देते हुए कहता है कि थैंक यू कि तुम मेरी बात को कभी नहीं भूले और समझे और तुमने अपने लाइफ में एक अच्छा रास्ता चुन लिया। लस्कॉफ सर्गेई का धन्यवाद देते हुए कहता है कि यह सब सर्गेई की मदद की वजह से नहीं हुआ है। लस्कॉफ कहता है कि शायद वो अभी तक भीख मांग रहा होता, शायद वो अभी तक झूठ बोल रहा होता। वह सर्गेई का आभार व्यक्त करता है
लेकिन वो कहता है कि यह सब कुछ ओल्गा की वजह से हुआ है, ओल्गा ने उसे बचाया है। वह बताता है कि जब वह सर्गेई के घर जाता था तो वो ओल्गा ही थी जो उसके सामने आकर बैठती थी और वो दुखी हो जाती थी और रोने लगती थी, और रोते रोते वो कहती थी कि लस्कोव एक दुर्भाग्यशाली शराबी है जिसके जीवन में खुशी लिखी ही नहीं है, और वो कहती थी कि वो कभी खुश नहीं रह सकता, और वो रोती और दुखी होती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसके लिए लकड़ी काटती। वो सर्गेई के सामने कबूल करता है कि उसने कभी भी उसके लिए एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं काटा, और यह सब कुछ ओल्गा ने किया। फिर वो सर्गेई को कहता है कि वह उसे समझा नहीं सकता कि ओल्गा की इन सब हरकतों की वजह से वो कैसे बच गया, वो आज कैसे बदल गया। फिर वो कहता है कि ओल्गा के कठोर शब्दों ने और उसके दयालु कामों ने उसे बदल दिया, और वो उसे कभी भूल नहीं सकता। वो ओल्गा ही है जिसने उसे सही रास्ते पर लाया, और वो उसे कभी नहीं भूलेगा। फिर थिएटर की घंटी बज जाती है और वो दोनों, यानी कि सर्गेई और लस्कोव, दोनों गैलरी के अंदर चले जाते हैं, यानी कि थिएटर के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है।